Hello, third class. I hope you all are well at your homes. I'm your social science teacher. Today we will do lesson number 4, India, our country. Bharat, hamara desh. आप इस chapter के बारे में पढ़ोगे, ठीक है जी। इस chapter में सबसे पहले आपको बताया गया है कि India is a big country. भारत क्या है? बहुत बड़ा देश है. It is the 7th largest country in the world. ये world में कौन से number पे है largest country? 7th नंबर पे. कौन से नंबर पे है? 7th पे. द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ अबाउट 130 crores. कहते जो हमारी इंडिया है उसके अंदर टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 130 crore के नियर अबाउट है. ओनली चाइना हैज़ मोर पॉपुलेशन दैन आर कंट्री. ओनली चाइना है जिसके अंदर हमारे देश से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है. फर्स्ट नंबर पे पॉपुलेशन में कौन आता है? चाइना. और सेकेंड नंबर पे कौन आता है? इंडिया. कहते जो हमारा भारत था वो कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था. द गवर्नमेंट इन आर कंट्रीज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. जो हमारे देश के अंदर जो सरकार होती है बेटा वो कौन होती है? इसको लोग चूज़ करते हैं. हमारे देश में दो तरह की सरकार होती है, एक तो यूनियन गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट. कौन सी होती है? यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, यानी कि केंद्र सरकार भी कहते हैं. ये पूरे देश को कंट्रोल करती है. हमारे पूरे देश को क्या करती है? कंट्रोल करती है. जो यूनियन गवर्नमेंट की ऑफिसेज हैं वो कहाँ पे होते हैं? न्यू दिल्ली के अंदर होते हैं, जो हम इंडिया की क्या है? कैपिटल भी है. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसके द्वारा रन की जाती है? प्रेसिडेंट. किसके द्वारा चलाई जाती है? यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री और दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा चलाई जाती है. ऑल ऑफ देम लिव एंड वर्क इन न्यू दिल्ली. ये दिल्ली के अंदर ही रहते हैं और सारा काम वहीं पर ही करते हैं, ठीक है सी. इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द नीड्स एंड सेफ्टी टू ऑल पीपल इन आर कंट्री. हमारी जो केंद्र सरकार है उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो पूरे देश को अच्छे से देख सके, जिसके कारण तो हम क्या करती है, वो आपके लोगों को प्रॉपरली देखने के लिए उसने हमारे देश को 28 states और 8 union territories में डिवाइड किया हुआ है. कितनी स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ बेटा? 28 states एंड 8 union territories में डिवाइड किया हुआ. हमारे देश में कितने राज हैं? 28 और यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं? 8. हर एक स्टेट क्या है? अपनी गवर्नमेंट है, उसकी सरकार है. जो स्टेट गवर्नमेंट है ये लोगों के द्वारा चूज़ की जाती है. एवरी स्टेट ऑल्सो हैज़ अ कैपिटल सिटी. हर एक स्टेट की एक कैपिटल होती है. आप देखो, अब पंजाब है, उसकी कैपिटल कौन सी है? चंडीगढ़ है. हरियाणा की कैपिटल भी कौन सी है? चंडीगढ़ है, ठीक है जी. जैसे राजस्थान है, उसकी कैपिटल जयपुर है. यानी कि हमारी अलग अलग, हमें कौन सी गवर्नमेंट देखेगी? आप पंजाब में रहते हो, हमारी पंजाब स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है? देखो ये कौन सी है, ये चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स के द्वारा चलाई जाती है. हमारे चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह. ये सारे क्या करते हैं? स्टेट के अंदर रहते हैं, कैपिटल के अंदर रहते हैं, यानी कि चंडीगढ़ में रहते हैं और हमारे सारे काम को देखते हैं. जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो इनकी क्या करती है? हेल्प करती है. यूनियन टेरिटरीज़ हमारी कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं? 8 हैं, जिसको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है. दिल्ली क्या है? हमारी यूनियन टेरिटरी है. इसको अपन नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी बोलती हैं. द लोकल गवर्नमेंट्स इन द यूनियन टेरिटरीज आर गाइडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट. जो ये लोकल गवर्नमेंट्स हैं बच्ची, क्या करती हैं? हमारी यूनियन टेरिटरीज़ को सब क्या करती हैं? गाइड करती हैं यूनियन गवर्नमेंट्स को. द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, जो केंद्र और राज्य सरकार है, एक दूसरे की हर काम में हेल्प करते हैं लोगों की भलाई के लिए. ये लोगों की ज़रूरतों का और आपकी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखती हैं. गवर्नमेंट क्या है? हमारे देश को अच्छे से चलाने के लिए कानून भी बनाती है. इट बिल्ड स्कूल्स. हमारे लिए स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स भी बनाती हैं. द लैंडफॉर्म्स एंड द क्लाइमेट ऑफ इंडिया वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हमारी लैंडफॉर्म क्या है? जगह से जगह पर चेंज हो जाती है. लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, फिर भी हमारा देश क्या है? बहुत बड़ा है और एक परिवार की तरह ही रहता है. नाउ यू हैव टू रीड अबाउट दी स्टेट्स. बेटा आपने ये सारी स्टेट्स और उसके कैपिटल्स को पढ़ना है. जैसे आंध्र प्रदेश स्टेट है, ऊपर राइट किया हुआ है. उसकी कैपिटल कौन सी है? हैदराबाद. अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पंजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला. ना हो हमारी जम्मू कश्मीर क्या है? वो स्टेट नहीं रही. झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलुरु,
केरला, त्रिवेंद्रपुरम, मध्य प्रदेश, भोपाल, महाराष्ट्र, मुंबई, मणिपुर, इम्फाल, ऐसे ही कंटिन्यू करके हमारी स्टेट्स पढ़नी है। फिर आती है हमारी यूनियन टेरिटरीज, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसकी यूनियन कैपिटल कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़। अब ये दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव क्या हो चुकी हैं, ये कंबाइन हो चुकी है, दिल्ली की दिल्ली, लक्षद्वीप की कावरती, पुडुचेरी की पुडुचेरी। ये आपको याद रखना है। रिमेंबर, हमारी लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है, राजस्थान, स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है, गोवा, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है, लक्षद्वीप, मोस्ट पॉपुलर स्टेट कौन सी है, उत्तर प्रदेश, स्टेट विद मिनिमम पॉपुलेशन, जिस स्टेट के अंदर कम से बहुत कम लोग रहते हैं, दैट इज़ सिक्किम, ये कौन सी है, सिक्किम। नाउ वी विल डू द बुक वर्क, चेक द पॉइंट। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, भारत कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947, कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। इंडिया हैज़ डैश स्टेट्स, इंडिया में कितनी स्टेट्स है, 28 स्टेट्स। कैपिटल ऑफ असम इज, असम की कैपिटल कौन सी है, गुवाहाटी या दिसपुर, दिसपुर, विच वन, दिसपुर। इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन, भारत स्वतंत्र देश कब बना, 1947 में। डैश गवर्नमेंट लुक आफ्टर द यूनियन टेरिटरीज, कौन सी गवर्नमेंट लुक करती है यूनियन टेरिटरीज को, लुक आफ्टर, उसकी देखभाल करती है, द यूनियन गवर्नमेंट। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, कौन, फर्स्ट सॉरी, द डैश गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द यूनियन टेरिटरीज, स्टेट, लोकल, यूनियन, विच वन, यूनियन। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, राजस्थान। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ यूनियन टेरेटरी, इसमें से कौन सी यूनियन टेरेटरी है, सिक्किम, पुंडुचेरी, हरियाणा, दैट इज़ अ पुंडुचेरी। नाउ यू हैव टू डू फिल इन द ब्लैंक्स, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अबाउट डैश क्रोर्स, 130 crores। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव्स इन, कहाँ पर रहता है प्राइम मिनिस्टर, दिल्ली के अंदर। इंडिया इज़ अ डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सेवंथ, कौन सी है, सेवंथ। द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन, कब सेलिब्रेट किया जाता है, 15 अगस्त 1947। थैंक यू ऑल ऑफ यू, नाउ यू हैव टू डू दिस बुक वर्क विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग ऑन योर बुक्स।